नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं R9 भारत। अब आप R9 भारत के ऐप को प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं, साथ ही साथ R9 भारत को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो जरूर करें। भारतीय जनता युवा मोर्चा किशनपुर मंडल के तत्वाधान में कार्यकर्ताओं के द्वारा चेयर फॉर इंडिया कार्यक्रम के तहत बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सर्वप्रथम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। टोक्यो ओलंपिक में भाग ले रहे खिलाड़ियों को उत्साहवर्धन समर्थन करने के लिए कार्यकर्ताओं ने किशनपुर फील्ड में बैठक आयोजित किया गया। बैठक में मुख्य रूप से जिले से नियुक्त प्रभारी के रूप में श्री आशीष भारद्वाज जी बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि आज पूरे देश में भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा खिलाड़ियों को पूर्ण समर्थन देने के लिए कार्यक्रम चल रहा है। हम सभी कार्यकर्ताओं का दायित्व तो बनता है कि इस कार्यक्रम में हिस्सा लेकर अपने देश के खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाएं, ताकि ओलंपिक में अधिक से अधिक मेडल जीतकर हमारे देश का नाम रोशन करें। कार्यक्रम की अध्यक्षता युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष श्रीकांत तिवारी जी के द्वारा किया गया एवं कार्यक्रम के अंत में विक्ट्री पंच कर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से किशनपुर मंडल संतोष पांडे जी, किशनपुर मंडल सांसद प्रतिनिधि श्रीमती सुमन गुप्ता, ओबीसी मोर्चा अध्यक्ष उपेंद्र कुमार, मंडल संयोजक सव्यसाची उपाध्याय जी, मंडल मीडिया संयोजक चंदन कुमार दुबे, महामंत्री प्रमोद जीत सिंह तथा भाजयुमो एवं भाजपा के अनेकों कार्यकर्ता मौजूद रहे। R9 भारत के लिए पलामू से रिपोर्ट। कोडरमा जिले में सड़क चौराहे वही हैं, लेकिन समय के साथ ट्रैफिक कई गुना बढ़ गया है। वाहनों का संचालन सुगमता से हो और ट्रैफिक की हालत ना बने, इसके लिए जिला प्रशासन कोडरमा के द्वारा कई कार्य किए जा रहे हैं। झुमरी तिलैया नगर परिषद अंतर्गत ट्रैफिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के साथ साथ विकास योजनाओं से संबंधित कई कार्य किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में उपायुक्त आदित्य रंजन के द्वारा झुमरी तिलैया नगर परिषद क्षेत्र का भ्रमण किया गया। इस क्रम में उन्होंने चाड़ा के कैंपस, अशोका होटल के पीछे सब्जी मंडी, भास्कर तालाब, सरकारी बस स्टैंड व गांधी स्कूल मैदान का भ्रमण किया। होटल के पीछे सब्जी मंडी का निरीक्षण करते हुए उपायुक्त श्री रंजन ने नगर प्रशासक झुमरी तिलैया नगर परिषद को निर्देशित करते हुए कहा कि सब्जी मंडी अंतर्गत स्लैब नाली मुख्य द्वार का मरम्मती करवाना सुनिश्चित करें, साथ ही भेड़िंग चौन चबूतरा का घेराबंदी करने का निर्देश दिया गया। भास्कर तालाब की साफ सफाई व मरम्मती कराए, साथ ही खाली स्थान में पौधारोपण करने एवं शेड का निर्माण करवाने की बात कही। शहर में बड़े बसों का आवागमन के समय उत्पन्न ट्रैफिक के निष्पादन हेतु उपायुक्त श्री रंजन ने सरकारी बस स्टैंड का जायजा लिया। उपायुक्त ने जिला खनन पदाधिकारी को दलदल के साथ दलदल स्थल व जहाँ जहाँ गड्ढे हैं वहाँ पर डस्ट भरवाना सुनिश्चित करेंगे। रेलिंग निर्माण करने का भी निर्देश दिया गया। इस मौके पर उप विकास आयुक्त लोकेश सिंह, अनुमंडल पदाधिकारी मनीष कुमार, जिला शिक्षा पदाधिकारी अलका जायसवाल, नगर प्रशासक श्री सुरेश यादव, अंचलाधिकारी अनिल कुमार व अन्य लोग मौजूद थे। प्लेटफॉर्म बना देंगे और दो दीवार भी उसमें लिख देंगे रजिस्ट्रेशन काउंटर फॉर माइग्रेंट्स, ठीक है, टेम्पररी होल्ड फॉर माइग्रेंट्स, फोटो लगा देंगे, पूरा बढ़िया से लेबलिंग करके ठीक है। बैठक किए थे उसमें जिले के SP हैं, SDO हैं, DTO हैं, सब लोग, तो हम लोग यही कोशिश कर रहे थे कि सड़क को कैसे सुव्यवस्थित करें। तो अब आज एग्जीक्यूटिव अफसर नगर तिलैया से और बाकी सभी पदाधिकारी थे, हम लोग यही कोशिश में हैं कि किसी तरह जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर से उसको इम्प्रूवमेंट करें और ट्रैफिक व्यवस्था कैसे दुरुस्त कर सकें। वेंडर्स के लिए भी हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, धीरे धीरे अगर थोड़ा बहुत सेटलमेंट हम लोग कर पाएंगे तो एनक्रोचमेंट हटाने में भी थोड़ी सी अथॉरिटी मिलेगी। सर, कई बार प्रयास किया जाता रहा है लेकिन सफलता नहीं मिली है और कहीं ना कहीं बड़ा मास पीपुल होता है जिसको इधर से उधर स्थापित करना पड़ता है, ऐसे में इस बार क्या प्लानिंग है कि एकदम बिल्कुल इस पर तो हो जाए? ये जब तक लोगों का सहयोग नहीं होगा कोई शहर व्यवस्थित नहीं हो सकता है। तो मैं तो अपील ही कर सकता हूँ सभी से कि आप लोग तो हमारे प्रशासन का सहयोग करिए, धीरे धीरे ये जो भी कार्य होगा वो आपके हित में ही होगा, है ना। कोई ऑफिसर चाहे किसी भी पद पे हो, किसी भी चाहे नगर परिषद पे हो, चाहे जिला प्रशासन से हो, कोई भी ऑफिसर अपने लिए कुछ करता नहीं, तो इसीलिए होता है कि शहर के जो लोग हैं आप लोग ही यहाँ रहेंगे, आपकी ही दुकानें रहेगी, आपको ही इन सड़कों पे चलना है, हम लोग तो साल दो साल चलेंगे, तो व्यवस्था जो है आप लोग के लिए ही हम लोग कोशिश कर रहे हैं, तो आपका सहयोग अपेक्षित होगा। और साथ ही साथ जब भी प्रशासन की कोई कार्रवाई होती है उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लेना चाहिए, है ना, सब सहयोग के साथ साथ, ताकि हम लोग जो है एक अच्छा शहर, एक सुंदर शहर बनाने की जो परिकल्पना है हम लोग इसको पूरा कर सकते। R9 भारत के लिए मुकेश गोस्वामी की रिपोर्ट, कोडरमा से।
थाना क्षेत्र के मांधनीय पंचायत के हौसीर गांव के घासी टोंगरी में रात्रि के समय जंगली हाथियों का झुंड आतंक मचाकर गांव में हाहाकार मचा दिया। ग्रामीणों ने बताया कि रात्रि में हाथियों का एक झुंड घासी टोंगरी थाना क्षेत्र के हौसीर गांव में पहुंचा और शिव नारायण गंजू दो गाय, संघर गंजू की एक गाय, दुधारू गाय जो बंधी हुई थी, हाथियों के झुंड ने तीनों को रौंद कर मार डाला। उसके बाद कुछ दूरी पर स्थित बैगा टोला में लुरक परिया के घर को ढाकर 200 केजी चावल भी खा लिया। साथ ही साथ दीना गंजू, अर्जुन गंजू, दाशो गंजू, आदित्य गंजू, एता गंजू, गोलू, उदेश इत्यादि कई एकड़ जमीन पर लगा मकई की खेत को रौंद डाला। उसके बाद रिमी पंचायत के गांव में भी आतंक मचाया। गरीब किसान के दो बैल को भी पैर से रौंद मार डाला। इसकी सूचना वनकर्मी को दे दी गई। समाचार लिखे जाने तक वनकर्मी रवि कुमार, कुंदन कुमार एवं दुर्गा जी घटनास्थल को रवाना हो गए थे तथा कागजी कार्यवाही करते हुए उचित मुआवजे के लिए प्रक्रिया शुरू कर दिया गया था। इस घटना से ग्रामीण सहमे हुए हैं। क्या नाम है? लुरक परिया। अच्छा बताओ क्या घटना हुआ रात में? हाथी आया था, चावल सब जितना था खा गया, वो सब घर भी तोड़ दिया और खेती भी था, खेती भी मकई को सब खा के चले गया। कितना चावल खा गया? 2 क्विंटल खा गया। 2 क्विंटल खा गया ना। तो आप लोग रात में अंदर में सोए थे? अंदर में थे, बाल बच्चे सब ले गए, हम ऐसे निकल गए। अच्छा जी, क्या नाम हुआ? सिमंगल गंजू। सिमंगल गंजू जी सर, बताइए घटना जो हुई है कब हुई है घटना? ये रात में 8 से 8:30 बजे के लगभग। 8:30 बजे जी। तो ये घटना 8:30 बजे जो है, तो आपको कब पता चला? ये मेरा सुबह पता चला। सुबह पता चला। कितना गाय थी ये आपका? मेरा टोटल करीब 8 थे। 8 में 3 गो, एक तो पूरा स्पोटे हो गया और 2 गो वो भी नहीं जिएगा, पूरा एकदम हालत उसको भी निकल गया। 2 समझे स्पॉट हो गया, योग का पैर और पूरा टूट गया। एक गाय कितना का होगा? यही पहले लिए थे, मेरा पापा लिए थे, जो स्पॉट हुआ अभी फिलहाल में पहले जो 8 बजे रात को, वो 9,000 के था। अच्छा अच्छा। और जो ये मेरा जो अभी योग स्पॉट हुआ अभी, हाँ। अभी किराप दम टूटा है, हाँ। वो भी किराप उतने ही का होगा, मतलब सब लघर गाय है। लघर गाय था, सबको बच्चा भी देखिए इधर ही बांधा हुआ है, हाँ हाँ। तो इधर है योग, इधर है और उधर ही सब बैठल है। तो आप क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? वही सरकार से निवेदन करते हैं, जो ऐसा जब हो रहा है तो कम से कम उसको सोचना चाहिए। फिलहाल मुआवजा चाहिए आपको, हाँ। और फिलहाल उसमें थोड़ी बहुत दिन से ये सब हाथी का सुन रहे हैं घटना, वहाँ पर में तो आदमी भी स्पोर्ट कर दिया कल बूढ़ी सकुआ में, सोचिए आपको मुआवजा चाहिए। जी सर बोलिए, यहाँ पे जो आप आए घटनास्थल में क्या क्या देखा आप लोगों ने? घटनास्थल पर जंगली हाथी द्वारा गाय मारा, 2 गाय को मारा गया है और खेती को, 3 गाय है सर, 3 घायल उसमें से है। अच्छा, घायल अवस्था में है, 2 मर गए हैं, 2 ये घायल है। मकई का खेती बर्बाद किया गया है, धान के खेती को 2 क्विंटल धान का नुकसान किया गया है, चावल घर को तोड़ा गया है। इन लोग को मुआवजा के लिए सर आप लोग क्या सोच रखे हैं? मुआवजा मिलेगा, लोग एप्लीकेशन डालेगा। एप्लीकेशन आप लोग को दिया जाएगा? एप्लीकेशन ब्लॉक में दिया जाएगा। अच्छा अच्छा। इन लोगों को प्रोसेस क्या करना होगा सर? सबसे पहले प्रोसेस अभी जो हमारा है उसके लिए तो FIR करना पड़ेगा, सना दर्ज करना होगा जी, फिर हम लोग उसको बढ़ाएंगे आगे। ये सर कब तक इन लोगों को मुआवजा मिल जाएगी? लंबे प्रोसेस इसमें है, ये बात तो टाइम लग जाएगा। लगभग इन लोगों को क्षति कितना का हुआ होगा लगभग सर? थमते हैं, 2 गाय देख रहे हैं, गाय एक ही गाय मरी है, 2 गाय है, एक घायल है, जो एक मरी है, 2 मरी है, 2 गरी है, 2 स्पॉट हो गया मतलब चलिए, और एक घायल है। और ये फसल समथिंग 75 75,000 का लगभग। चलिए सर, R9 भारत के लिए मोहम्मद शाजीद की रिपोर्ट लावालौंग से। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं R9 भारत। अब आप R9 भारत के ऐप को प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हैं, साथ ही साथ R9 भारत को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो जरूर करें।